नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। पीलीभीत में रुपयों के लेन देन के विवाद में भाई ने ही सगे भाई की हत्या कर दी। ये पूरा मामला सामने आया, इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना बीती रात 10 बजे की है। सूचना पर पहुंचे एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल का मौका मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदोई गांव की बताई जा रही है। सहारनपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और यहां पर कोविड-19 कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने के बाद संबंधित अधिकारियों से कहा कि संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की कोई किल्लत ना हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर का यूपी ने पूरी तैयारी के साथ सामना किया है। प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी में जुट चुकी है। संभल में पुलिस पर हमला करने और गैंगस्टर में वांछे चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बनियाठे थाना क्षेत्र के गांव भटौरा में मुठभेड़ हुई। सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए। मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी संभल के नूरियोसराय निवासी असद है। पुलिस कार्रवाई में आरोपी असद के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। इलाज के लिए पहले उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके पास से तमंचा और एक बाइक बरामद हुई है। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन के 6 प्लांट को मंजूरी दी है। इसके अलावा मेडिकल किट की व्यवस्था भी रखी गई है। जिला पंचायत सभागार में बैठक के पश्चात मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों को सभी जनपदों में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। कोविड की आने वाली वेव के लिए तैयारियां पूरी करने में सरकार बखूबी जुटी हुई है। इसके अलावा प्रदेश में बच्चों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था भी लगातार करवाई जा रही है। बदायूं में एक महिला की उसकी सौतेले बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात की वजह इन मां बेटे की आए दिन होने वाली कलह बताई जा रही है। 2 दिन पहले युवक की बहन की शादी हुई थी। घटना के वक्त पिता टेंट का सामान वापस करने गया था। इसी बीच घर में बेटे ने मां को मार डाला। घटना के बाद सौतेले बेटा मौके से फरार है। पुलिस ने सौतेले बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई में जुट गई है। मऊ के घोसी लोकसभा के सांसद अतुल राय जेल में बंद होने के बाद भी इस कोरोना महामारी में मऊ के लोगों के लिए चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में आज सांसद अतुल राय ने अपनी स्वयं के निधि के पैसों द्वारा मऊ के लोगों के लिए 5 एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। ये 5 एम्बुलेंस अपने आप में एक चलता फिरता अस्पताल है। इस एम्बुलेंस में दवाइयों के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।